हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की वीडियोस में। हम बात कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की। आज है 31 अगस्त 2018, ये आखिरी दिन है अगस्त माह का। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं सबसे बेस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में जितने भी हमारे वीडियोज होते हैं सबकी प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार सभी को चेक जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो की पीडीएफ यदि आप अपनी कोचिंग संस्थान के नाम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 09826590517। बहुत कम चार्जेस में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा था कि किस मंत्रालय की व्यापक योजना महासागरीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, निगरानी, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान, सिंपली कहें तो ओ स्मार्ट को मंजूरी दी गई है। तो ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की परियोजना है। दूसरा प्रश्न, किसने विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के तीसरे संस्करण स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपनी किस पहली परियोजना को बंद कर दिया है? तो इस परियोजना का नाम है टोल ऑपरेटर ट्रांसफर परियोजना, जिसको बंद किया गया है। चौथा प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट कोच को पहली बार किस एक्सप्रेस में लगाया जाएगा? तो इसको लगाया जाएगा कैफियत एक्सप्रेस में, जो आजमगढ़ से लेकर नई दिल्ली के बीच में चलती है। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने ऊर्जा दक्षता के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के साथ $22 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं विश्व बैंक के साथ में। छठवां प्रश्न है कि सरकार द्वारा 650 स्थानों पर कब से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत होगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी 1 सितंबर से। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड में यमुना नदी पर किस बांध हेतु 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लखड़बाड़ बांध है जिसके लिए ये हस्ताक्षर किए गए हैं। सातवां आठवां प्रश्न है कि पहला सार के कृषि व्यापारिक सहकारी व्यापार मंच कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ काठमांडू में, जो कि राजधानी नेपाल की और सार्क का मुख्यालय भी है। नवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, लेकिन इस बार 29 अगस्त को नहीं मनाया जाएगा, इस बार ये 25 सितंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि सारे एथलीट्स भाग ले रहे हैं 18वें एशियाई खेलों में। दसवां प्रश्न, एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में महिलाओं की हैथलॉन हुआ है उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है स्वप्ना वर्मन के द्वारा। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है कि मोबिलिटी वीक के साथ किसने मूव भारत के प्रथम विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018, इसका पूरा नाम है मूव का, ठीक है, इसका सूत्रपात किया है? तो इसका सूत्रपात किया गया है नीति आयोग के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा इसका सूत्रपात किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। तो ये क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं अमिताभ कांत, और इन्होंने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक ये चलेगा मोबिलिटी वीक, इसका आयोजन किया है। एक्चुअल में होने क्या वाला है कि हमारे यहाँ मूव का आयोजन होने वाला, मूव मतलब भारत का प्रथम विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018, और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 7 और 8 सितंबर 2018 को किया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीक पूरा मनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं आखिर ये मूव क्या है। तो मूव क्या है, विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन, ये क्या काम करेगा? ये जो प्रौद्योगिकी लागत है, व्यापार आधारित जो इनोवेशन है, व्यापारों के लिए इनोवेशन तरीके से चीजों को सोचेगा, किस चीज के, किस क्षेत्र में? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में और विद्युत वाहन यानी इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं उनकी लागत को कैसे कम किया जाए, उनको व्यापार के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इन चीजों के बारे में ये मूव में सारी चर्चाएं होंगी। और विश्व जो अलग अलग मंत्रालय हैं भारत के और उद्योग जो साझेदार हैं उनके साथ में 7 और 8 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा मूव 2018 का आयोजन। चलिए दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करने से पहले मैं निवेदन करूंगा, काफी मेहनत के साथ हम आपके लिए ये वीडियो तैयार करते हैं और आपके लिए कम से कम लाइक और शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है लेकिन उनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कृपया उन लोगों के लिए, उन लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है उन तक जरूर इसको पहुंचाएं। दूसरा प्रश्न है कि किसके द्वारा नवाचारी उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको लॉन्च किया। डिटेल देखिए आखिर ये क्या है। तो उच्च शिक्षा जो संस्थान है यानी कॉलेजेस जो हैं उनमें नवाचार, या नवाचार का मतलब इनोवेशन, उसको
प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास के राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह, उन्होंने क्या किया है, नवाचार उपलब्धियों पर नवाचार प्रकोष्ठ यानी कि इनोवेटिव प्रकोष्ठ एक बनाया है वो पूरा, और साथ में संस्थानों की रैंकिंग के लिए अटल रैंकिंग को लॉन्च किया। तो दो चीजें लॉन्च की गई हैं, एक है नवाचार प्रकोष्ठ, कहाँ बनाया गया है, AICTE इसमें बनाया गया है, और क्या लॉन्च की गई, तो अटल रैंकिंग लॉन्च की गई है। नवाचार प्रकोष्ठ जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है और इसको AICTE का जो परिसर है वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। और उद्देश्य क्या होगा, जो देश भर के उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर नवाचार की जो संस्कृति है उसको व्यवस्थित तरीके से प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होगा। अच्छा, ये AICTE का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। याद रखिएगा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो यहां पर जो है स्थापित किया गया है नवाचार प्रकोष्ठ। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जो है काकाडू 2018 अभ्यास होने वाला है, नौसेना अभ्यास, इसमें शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, तो इस जहाज का नाम है INS सहाद्री। क्या नाम है इसका, INS सहाद्री। याद रखिएगा INS सहाद्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल देखिए इसकी क्या है, तो दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में 4 महीने की तैनाती के बाद, यानी 4 महीने से कहां तैनात था, दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात था, और उसके बाद भारतीय नौसेना का जहाज है IS जहाज सहाद्री है, ये काकाडू 2018 में शामिल होने के लिए 29 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बंदरगाह पर। ये जो समुद्री अभ्यास है ये 14वां संस्करण है काकाडू 2018 का, इसका नाम है काकाडू 2018 और 14वां संस्करण है, 29 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में ये चलेगा। और ये जो जहाज है भारतीय नौसेना का जहाज, ये जो है इसके कप्तान है शांतनु झा। अब हम बात करते हैं काकाडू 2018 की। देखिए काकाडू 2018 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये आयोजन किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा, और इसको मदद कौन करता है, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना यानी कि ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना जो इसको वो मदद करती है। बहुपक्षीय यानी बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं समुद्री अभ्यास से, और हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, तो इसके बारे में हमें इतना याद रखना है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी, तो इस योजना का नाम क्या, तो इस योजना का नाम है अभ्यास योजना, ऑप्शन ए इसका सही है, अभ्यास योजना शुरू की जाएगी। डिटेल देखिए आखिर क्या है, तो इसकी जानकारी किसने दी है, तो शिक्षित जो सरकार जो है शिक्षित युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए अभ्यास योजना शुरू करेगी, और इससे जो स्टूडेंट होंगे वो उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और दूसरों को वो रोजगार भी इसके माध्यम से दे सकेंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा, उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभ्यास योजना के तहत विज्ञान से जो स्नातक यानी ग्रेजुएट है उन छात्रों को उनकी इच्छा के जो क्षेत्र होगा उसमें कृषि सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण के बाद उनको लोन दिया जाएगा, उसके तहत वो अपने स्वयं का रोजगार डाल सकेंगे। अब बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, इंपॉर्टेंट संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इसका फुल फॉर्म है, स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन की, जो समय ब्रिटिश ने जारी किया था रॉयल कमीशन उसकी अनुशंसा पर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय, तो ये हमें इसके बारे में याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि अबुधाबी में इंटरनेशनल बुक फेयर का जो 29वां संस्करण होगा उसके लिए गेस्ट ऑफ ऑनर कौन से देश को मिलेगा, तो गेस्ट ऑफ ऑनर का जो दिया जाएगा इस बार भारत को दिया जाएगा। याद रखिएगा 29वां संस्करण है यानी 29वां आयोजन है इंटरनेशनल बुक फेयर या इंटरनेशनल पुस्तक मेला अबुधाबी के अंदर होना है। चलिए देखिए अबुधाबी ने घोषणा की है कि अगले वर्ष अबुधाबी के अंदर इंटरनेशनल बुक फेयर होगा और उसमें भारत अतिथि होगा, और 24 से 30 अप्रैल 2019 को इस मेले का आयोजन किया जाएगा। ये संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्पादन का जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा, और इसमें भारतीय साहित्य संगीत सिनेमा और नृत्य को भी उसमें शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अबुधाबी की, क्योंकि यहाँ पर बात अबुधाबी की आई है, तो अबुधाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अबुधाबी का शासन कौन करता है, तो यहाँ के खलीफा है बिन जायेद अल नहान, और ये राष्ट्रपति भी हैं UAE के। याद रखिएगा ये राष्ट्रपति भी हैं UAE के, तो ये दो इसके बारे में अबुधाबी के बारे में हमें याद रखना है। छठवां प्रश्न है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP के सदस्य देशों के जो व्यापार मंत्री हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई, और ये बैठक की शुरुआत कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा इस बैठक की शुरुआत हुई है सिंगापुर में, 2 दिन की बैठक है,
30 और 31 तक ये आयोजन इसका होना है। तो ये कल यानी आज जब ये आप वीडियो सुन रहे होंगे तब भी ये चलेगी 2 दिन की बैठक, तो याद रखिएगा सिंगापुर में। डिटेल देखिए इसके क्या है, तो भारत चीन के समेत जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एक मंच बना है RCEP के नाम से, इसके जो सदस्य देश हैं उनके व्यापारिक मंत्रियों की बैठक सिंगापुर में हुई है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ से कौन इसमें भाग लेगा, तो हमारे यहाँ से सुरेश प्रभु जी रेलवे जो वाणिज्य मंत्री हैं, हमारे पहले रेल मंत्री थे अभी वाणिज्य मंत्री हैं, ये इसमें भाग लेंगे। इसके बाद सुरेश प्रभु 1 सितंबर 2018 को जो है 6वीं पूर्व एशिया आर्थिक मंत्रियों की बैठक होगी, आसियान के अलावा जो और इसमें शामिल किए गए हैं उनकी बैठक होगी, उसमें भी भाग लेंगे। और इस बैठक में 10 आसियान देश भाग लेंगे, उसके अलावा भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसके साथ जो आसियान के 8 संवाद साझेदार हैं वो सब के सब इसमें शिरकत करेंगे। जो 2 बैठकों में आयोजित होंगे, एक जो बैठक जिसके लिए गए हैं RCEP, उसमें भाग लेंगे हमारे सुरेश प्रभु जी, और उसके बाद जो है जो 6 पूर्व एशियाई आर्थिक मंत्रियों की बैठक होगी उसके अंदर भी भाग ये लेंगे। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं RCEP आखिर है क्या। RCEP एक मेगा ट्रेड पैक्ट है, यानी एक संधि है। इसका उद्देश्य क्या है, वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा के अधिकारों को कवर करना है। मतलब कुल मिला के उन देशों के बीच में ऐसा माहौल बनाना है कि अच्छे तरीके से उन देशों के बीच में व्यापार हो सके। चलिए बात करते हैं हम 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि सरकारी ई विपणन संस्था पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत कब की जाएगी। तो सरकारी ई विपणन स्थान पर, स्थान मतलब ये एक्चुअल में इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, हिंदी में इसे ई विपणन स्थान कह दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की जाएगी 5 सितंबर को, याद रखिएगा कब शुरुआत की जाएगी, 5 सितंबर को। डिटेल देखिए इसकी क्या है, तो प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय हैं, राज्य सरकारें हैं और उनकी जो एजेंसी है उनके द्वारा सरकारी ई विपणन संस्थान यानी जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस को अपनाने और तेजी लाने के लिए 5 सितंबर को राष्ट्रीय सरकारी ई विपणन संस्थान मिशन की शुरुआत की जाएगी। और उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा खरीद में समग्रता लाना, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, नकदी रहित यानी कि कैशलेस, संपर्क रहेंगे यानी कि एक दूसरे से मिलने की जरूरत ना पड़े, और कागज रहित यानी पेपरलेस जो है लेन देन करना, इस मिशन का जो पूरी तरीके से उद्देश्य होगा। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस प्रदेश में सिंचाई की कार्य क्षमता सुधारने के लिए $375 मिलियन के कर्ज का समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो यह हस्ताक्षर किए गए भारत के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए, याद रखिएगा मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी डिटेल हम चर्चा करते हैं। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता को ठीक करने के लिए $375 मिलियन के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि मध्य प्रदेश के अंदर जो सिंचाई का नेटवर्क है उसका विस्तार किया जा सके, ना केवल विस्तार किया जा सके बल्कि उसकी जो वर्तमान कार्य कुशलता है उसको भी ठीक किया जा सके, ताकि जो कृषि आय है उसको दुगुना करने में सहयोग प्राप्त हो सके। अब हम एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB मुख्यालय कहां पर, मनीला, जो कि राजधानी फिलीपींस की, वहां पर है। इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को, और इसके सदस्य देश हैं 67 और 48 एशियाई हैं, और पैसिफिक देश हैं 48 एशिया पैसिफिक के, और 19 जो हैं बाहरी देश इसके अंदर शामिल है। अच्छा, मध्य प्रदेश की भी यहाँ पर बात आई है, मध्य प्रदेश को भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, तो ये भी इसके बारे में आप इतना याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी ASPA ASPA, ठीक है, इसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी, यानी उस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो इसका नाम है असम सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। किसके द्वारा किया गया, असम सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। डिटेल देखिए इसकी क्या है, तो असम सरकार ने क्या किया है, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जो है, जिसे ASPA के नाम से भी जाना जाता है, उसकी मियाद यानी उसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। वहां के राज्यपाल ने पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र फिर से घोषित कर दिया है, और अधिनियम में अशांत क्षेत्र में विभिन्न जो संचालन करने में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार छूट प्रदान कर देता है। ये जो अधिनियम है ये अशांत क्षेत्रों के अंदर काफी ज्यादा इनको लिबर्टी देता है। चलिए अब हम बात करते हैं असम की। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल, और राज्यपाल कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी राज्यपाल है असम के। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की यहाँ पर बात करें, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। यहाँ पर देखिए मैप में ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में, ये असम है। बात करते हैं हम 10वें और अंतिम प्रश्न की। एशियाई खेलों में
500 मीटर स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, इनका नाम है जिनसन जॉनसन, याद रखिएगा। जिनसन जॉनसन ये इंडियन है, नाम से आप इनको विदेशी मत मान लीजिएगा। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल देखिए इनकी क्या है, तो मध्यम दूरी के धावक के जिनसन जॉनसन, इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। केरल के रहने वाले हैं और 18वें एशियाई खेलों की 1500 की जो मीटर स्पर्धा हुई थी, इसमें इन्होंने स्वर्ण स्वर्ण पदक जीता है। उसके अलावा एक और स्वर्ण पदक जीता गया है महिलाओं की 4x400 मीटर की रिले रेस में, और इसमें भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि कुल हमने इस दिन में जो है 12वें दिन 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब पदक तालिका की बात करें, पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक, कुल 59 पदकों के साथ 8वें स्थान पर बना हुआ है। याद रखिए कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर के प्रश्न। अब हम बात करेंगे अन्य करंट अफेयर के प्रश्नों की। हमारा पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूज है कि भारतीय नौसेना के पोते INS तेग, उसने अदन की खाड़ी जो है वहां पर गश्त के दौरान जो है नॉर्वे का एक जहाज था MP वेला, उसको आपात स्थिति में मदद पहुंचाई है। तो ये याद रखना है। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है उसका है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ये भी हमें याद रखना है। साथ में RBI ने अपनी जो वार्षिक बैठक उसमें कहा है कि नवंबर 2016 में चलन से बाहर किए गए जो 500 और 1000 के नोट थे जिन पे नोटबंदी की गई थी, उसके 99.3% नोट जो है वापस आ गए हैं, उसकी काउंटिंग पूरी हो गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें GDP में पिछले वर्ष में 6.7% से 7.4% तक की वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं अगला है कि नवलेख प्रोजेक्ट गूगल ने जारी किया गया है, और ये जो प्रोजेक्ट है भारतीय भाषाओं की बढ़ोतरी के लिए जो प्रकाशक होंगे यानी कि पब्लिशर्स होते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो नवलेख प्रोजेक्ट, इसको याद रखिएगा। तो यह थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की बात यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।